नमस्कार मित्रों, आज हम हमारे रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आशा करेंगे कि ये आपके रिवीजन में मददगार हो। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, इसे बड़े ध्यान से सुने। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी, दोनों ही अलग अलग देशों में रहते हैं और अपना व्यापार बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और अपने व्यापार में जो उनके देश द्वारा निर्धारित की गई अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उन्हें वो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, और उन्होंने मिस्टर बी से कहा कि वो उसके देश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। मिस्टर बी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आए, क्यों ना करें करें। तो मिस्टर ए पहुंच गए वहां पर साथ में बहुत से लोगों को लेकर। मिस्टर बी ने कहा ये सब कौन है, व्यापार तो आपको करना है। उसने कहा ये मेरा अकाउंटेंट है, ये मेरी लेबर है, ये मेरे सीए हैं, और ये सारे एम्प्लॉयज मेरे साथ काम करेंगे। मिस्टर बी ने कहा बिल्कुल काम आप किसी से भी करवाएं, पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे देश के फॉलो करने पड़ेंगे। मिस्टर ए ने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके देश के फॉलो करें। उसने कहा नहीं, मैं तो अपने देश के ही फॉलो करूंगा भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके देश के मैं नहीं मान रहा। मिस्टर बी ने कहा आपको मानने तो पड़ेंगे, वरना आप हमारे यहाँ व्यापार ना कर पाएंगे। मिस्टर ए ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारे देश में हम हमारे देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जनरल पॉलिसीज फॉलो करके काम करते हैं ना। मिस्टर बी ने कहा नहीं, आपको हमारे देश में चल रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज और रूल्स को फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा। मिस्टर ए ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस बात पर मिस्टर ए और मिस्टर बी की बहस हो गई और ये बात बढ़ते बढ़ते सभी देशों तक पहुंच गई। तो इस तरह का मसला जब हुआ तो सभी देशों ने सोचा ये तो स्थिति हमारे साथ भी आ सकती है। तो सभी देशों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और कमेटी में बैठकर ये निश्चय किया कि यदि कोई एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे जो सभी देशों को मान्य हो। तो इस कमेटी ने ऐसे नियम बनाए जो सभी देशों को मान्य हो और उसी स्टैंडर्ड्स पे सारे काम चले। तो इस तरह ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने जो आज भी माने जाते हैं। इसमें जो कमेटी बनी उसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कहा गया, और उस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने अपने कुछ पॉलिसीज बनाई जो ग्लोबलाइजेशन के लिए आवश्यक थी, और सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके सभी देशों को मान्य करने थे। अब सभी देशों को अपने देश में अकाउंटिंग पॉलिसीज बनानी है, या तो वो एज इट इज अडॉप्ट कर ले या फिर उसमें कन्वर्जेंस पॉलिसी लगाकर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार बदल दे। इस कहानी में जो कमेटी बनी उसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कहा गया, जो 1973 में लंदन में बनी, और उसने IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए, और कुछ समय बाद IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का रिकंस्ट्रक्शन करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया, जिसने अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज IFRS के नाम से इशू की, जो सभी देशों को अपने देश में मान्य करना पड़ता है और दूसरे देशों के साथ व्यापार करते समय इस पॉलिसी का फॉलो करना पड़ता है। इंडिया की प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी जो ICAI है, उसने भी अपनी एक कमेटी बनाई जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB कहा जाता है। वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करती है और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA उसको रिकमेंड करती है। MCA को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल अफेयर्स को रिकमेंड करती है। MCA उसको सभी कंपनीज पर एज पर अप्लीकेबिलिटी इशू कर देती है। यही है अपने ग्रुप वन के पेपर वन का चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके फायदों के बारे में जानेंगे, और इंडिया में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और हमारे सिलेबस में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल हैं उनके बारे में भी जानेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अनुसार किसी भी एंटिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना होता है, और उसके अनुसार अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉग्नाइज करना होता है, मेजर करना होता है, प्रेजेंट करना होता है और डिस्क्लोजर देना होता है। हर देश की
कुछ जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है जिन्हें गैप कहा जाता है। इंडिया में जो गैप फॉलो होता है उसे इंड एएस कहते हैं, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। अन्य देशों में भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं उन्हें आईएफआरएस कहा जाता है। इंडिया में आईसीएआई द्वारा स्थापित एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करती है, उन्हें निफ्रा एमसीए को रिकमेंड करती है कि एमसीए स्पेल आउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू कंपनीज इन इंडिया। इंडिया हैज टू सेपरेट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन एएस कन्वर्ज विद द आईएफआरएस, और सेकंड है एग्जिस्टिंग नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि इंडिया में दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, पहला है इंड एएस, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या फायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है रिड्यूसेस विंडो ड्रेसिंग, यानी कि फ्रॉड होने की संभावना खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म तो नहीं हो पाती। इट इम्प्रूव्स कंसिस्टेंसी, पढ़ने में आसानी होती है। मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, यानी कि दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करने में आसानी तभी होगी जब उनमें फॉर्मेटिंग सेम हो। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस ऑफ ईच अकाउंटिंग एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है और तरीके बताता है कैसे फॉलो करना है। इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वैसे तो टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 विड्रॉ कर लिए गए, तो इफेक्टिवली अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट में हैं। हमारे सिलेबस में केवल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, कमेंट करके बताएं। इस लेक्चर में यदि आपको कुछ समझ में ना आया तो कृपया करके कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। We will revise the accounting standards from next video. Thank you.